पिछले दो दिनों से अखबारों की सुर्खियां बनी खबर 33,000 किसानों ने ले ली सम्मान निधि के पीछे क्या है, आइए आपको बताते हैं। दरअसल यह पूरी तरह सत्य नहीं है। अभी तक किसी भी जांच एजेंसी ने ऐसी रिपोर्ट दी ही नहीं, तो फिर सच क्या है? सच यह है कि 2019 में जब से सम्मान निधि की शुरुआत हुई, तब से अब तक रायबरेली जिले में 33,936 वरासत हुई। कृषि निदेशालय ने रायबरेली उप कृषि निदेशक को यह सूची भेजकर जांच कराने का निर्देश दिया कि ऐसा तो नहीं कि वरासत करा चुके मृतक किसानों के खाते में अभी भी सम्मान निधि जा रही हो। जांच दो बिंदुओं पर आधारित है। पहली यह कि वरासत करा चुके किसान सम्मान निधि ले भी पा रहे थे या नहीं। दूसरी यह कि वरासत के बाद उसके खाते में सम्मान निधि जा भी रही है या नहीं। लिहाजा जांच से पहले यह कहना सर्वथा अनुचित है कि 33,000 मुर्दे ले रहे हैं सम्मान निधि। सर, एक मामला निकल के आया जो है कि पीएम किसान सम्मान निधि में जो है लगभग 33,000 ऐसे मृत किसान उनके खाते में पैसा भेजा जा रहा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। 33,000 की जो वरासतें दर्ज हुई है जो है, तो उन वरासतों में दर्ज होने के कारण ये सत्यापन कराया जा रहा है कि क्या ये पीएम किसान के लाभार्थी थे कि नहीं। अगर पीएम किसान के लाभार्थी थे तो क्या इनके डेथ होने के बाद इनके खाते में कोई धनराशि स्थानांतरित हुई है? अगर हुई है तो उनके जो परिवारजन है उनसे को प्रेरित करके वो वापस कराई जा रही है। दरअसल रायबरेली में एक प्रकरण अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है। आखिरवार वो प्रकरण क्या प्रकरण है? किसान मृत किसान व उनको मिल रही किसान सम्मान निधि को लेकर जहां सुर्खियां बटोर रहा है, पर मैं आपको बताऊंगा आखिरकार पूरा प्रकरण क्या है और अभी तक इसमें क्या क्या चीजें हो चुकी हैं। दरअसल आपको बता दें, किसान सम्मान निधि को लेकर अब रायबरेली में सत्यापन का कार्य शुरू कर दिया गया है, जिसका निर्देश कृषि निदेशालय द्वारा उप जिलाधिकारियों को दिया गया है कि आखिरकार वो सत्यापन कराएं कि आखिरकार कितने किसान मृत हो गए। जबकि यह आंकड़ा कैसे सामने आया आपको ये बताता हूं। बीते 4 सालों में देखा गया लगभग 33,000 किसानों की वरासत हुई है। वहीं आप जो कृषि निदेशालय है ये जानना चाहता है कि जिनकी वरासत हुई है, जो किसान वरासत पा चुके हैं, वो कहीं मृत परिजनों की किसान सम्मान निधि का लाभ तो नहीं उठा रहे हैं। और अगर इस पूरे प्रकरण में सत्यापन के बाद कोई भी लापरवाही पाई जा रही है तो अब लोगों के घर पर बुलडोजर चलने की भी कवायद हो सकती है। क्योंकि जहां एक तरफ रिकवरी की बात किया जा रहा है, सबसे पहले उनको नोटिस दिया जाएगा, फिर उनसे रिकवरी की जाएगी, और अगर रिकवरी पूरी तरह नहीं हो पाती है तो उनके घर पर बुलडोजर भी चल सकता है। वहीं आपको सबसे पहली चीज बताना चाहूंगा कि इस प्रकार के कार्य को लेकर उप जिलाधिकारियों को कठोर निर्देश दिए गए हैं कि वो जल्द से जल्द सत्यापन कराएं और इस पूरे प्रकरण में चेक करें कि आखिरकार इसकी सत्यता है। पर सबसे बड़ी बात है, बिना जांच के जिस प्रकार की चीजें सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं कई हद तक पत्रकारिता पर भी सवाल खड़ा कर रहा है। अखिल श्रीवास्तव, आर एक्सप्रेस, रायबरेली।